भाई व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द फैजल ब्लॉग। सो दोस्तों, आज एक धमाकेदार वीडियो के साथ और एक अच्छी वीडियो के साथ आप सभी का चैनल पे स्वागत करता हूं। सब बड़े होंगे भाई, बहुत ही दिनों बाद वीडियोस आने शुरू हुए, बट लेकिन भाई अब एट द एंड आते ही रहेंगे। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलता है, सही रहा तो भाई अपने मिलकर कामयाब हो गए। तो भाई फाइनलाइज अपने रेडर को 9439 किलोमीटर ऑन सर्विस रिकॉर्ड चला चुका हूँ मैं। तो भाई फिलहाल इसकी हम लोग टेस्टिंग करने वाले हैं आज इको मोड में, यानी कितने टाइम में ये फुल स्पीड अपनी अचीव करती है। तो इससे अपने को पता लगेगा भाई इसकी परफॉर्मेंस है या जा चुकी है जो पहले थी। लेट्स सी। और मैं पहले के वीडियो से यानी कि आप लोगों को कंक्लूड करके बताऊंगा कि क्या परफॉर्मेंस है, क्या इंजन में कुछ घटी बढ़ी हुई है इतने, यानी कि चलने के बाद 9,500 एक साल से ज़्यादा हो रहा है अभी चलाने के बाद मुझे। तो लेट्स सी, देखते हैं कितना जाती है। इको मोड में है अपनी बाइक यहाँ पर, और लेट्स सी अचीव करते हैं थोड़ा समय, यानी स्ट्रेट कर लो अपनी बाइक को यहाँ पे, लेट्स सी अचीव करते हैं कितना हो पा रहा है। 1 2 3 फर्स्ट गियर 33, सेकंड गियर 50, थर्ड गियर 70, फोर्थ गियर में 82, फिफ्थ गियर में 86, 96 तक ये बाइक गई है। आप लोगों ने भी लाइव देखा भाई फिफ्थ गियर में, बट लेकिन भाई मुझे अनबिलीवेबल है क्योंकि जो परफॉर्मेंस बाइक मैंने न्यूली परचेज की थी उस टाइम से बेटर परफॉर्मेंस मुझे अभी ये बाइक निकाल के दे रही है। और इसका क्या रीज़न हो सकता है, क्यों रीज़न हो सकता है, क्या रीज़न, तो मैं उसको आप लोगों को डिटेल में बताऊँ भाई, रुक के थोड़ा सा। तो इसका डिटेल में ये चीज़ है कि भाई मैंने जब आपकी फोर सर्विस अपनी बाइक करवाई हुई थी, तो मैंने अनदर प्लेस से जहाँ मैंने तीन कॉन्स्टिक्यूटिव यानी कि रिस्पेक्टिवली मैंने जहाँ बाइक अपनी सर्विस करवाई थी, दो सर्विसें वहाँ पे मैंने नहीं करवाई। तीसरी और चौथी सर्विस मैंने बाहर करवाई ले जाके, नहीं मेन सिटी के अंदर, तो वहाँ पे अपना हर चीज़ टैब लगा के सेट वगैरह हुआ। तो वहाँ से जो अपना यानी कि ये हुआ, यानी कहने क्या बोलते हैं यार, यानी कि जो उन्होंने एक इंजन ऑयल परफॉर्मिंग के लिए डाला भाई, तो उससे काफ़ी ज़्यादा अपना इंजन स्मूथ और हो गया। तो वो इंजन है समथिंग 150 रुपये का इंजन ऑयल पड़ता है, सर्विसिंग के टाइम पे पड़ता है। और एक चीज़ और बता दूँ, ये गलती आप लोग कभी अपने पूरे लाइफ में मत करना, जो टीवीएस रेडर है इसमें भाई इंजन ऑयल यानी कि 1 लीटर डलता है, जो इस बाइक के लिए इंजन ऑयल आता है वो 1.2 लीटर का रहता है, क्योंकि इसके पहले 2 से 3 बार मैंने 1.2 लीटर इंजन ऑयल डलवा दिया था, जो कि सर्विस सेंटर वालों ने छुतिया पंती मेरे साथ की थी भाई। उनको ये तक तमीज नहीं थी भाई, जहाँ से मैंने करवाई थी ये तक तमीज नहीं थी कि कितना सर्विस ऑयल इसमें डालना है। तो इसीलिए कहता हूँ, और भाई मैंने सर्विस सेंटर जेन्यू में मैंने करवाई थी, बट लेकिन बताओ यानी कि सर्विस सेंटर वालों को तक को नहीं पता था। तो भाई इसीलिए कहता हूँ ऑलवेज़ कि हमेशा आप एक अच्छे और बड़े सर्विस सेंटर पर अपनी सर्विस करवाओ, जिससे कि उनको हर चीज़ की प्रॉपर नॉलेज रहती थी। इससे पहले मेरी बाइकें कम माइलेज देती थी, अभी मैं आप लोगों को स्टॉप करके अपनी बाइक की माइलेज यानी कि ऑन मीटर रिकॉर्ड दिखा देता हूँ, यानी कि मीटर के हिसाब से कितनी निकाल के दे रही है। तो आप लोगों को यकीन नहीं होगा, मैं इतना खींचने के बाद भाई मेरी 99 KMPL की माइलेज दिखा रही है। दैट्स शिट भाई, इसका मीटर इधर जानते ही आप लोगों कितना है। तो भाई और बाकी परफॉर्मेंस तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका है अभी उस इंजन ऑयल के डालने के बाद। और लेट्स सी, मिलते हैं आप सनेदर वीडियो के साथ। और भी क्या स्पीड टेस्ट वगैरह कुछ भी अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो फटाफट। वीडियो आना स्टार्ट हो गए भाई, हरी हरी अप। और भाई चैनल को भी नया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। मिलते हैं आप सनेदर वीडियो के साथ, और भाई ओपी रिएक्शन मिलते रहते। चलो मिलते हैं सनेदर वीडियो के साथ।